माली जब बगीचा सजाता है तो उसके मन के भाव यही होते हैं कि कैसे उस बगीचे को अलग अलग फूलों से सजाया जाए। वो रंग बिरंगे फूलों से एक उपवन की कल्पना रचता है जहां वो हरे पीले लाल सफेद और न जाने कितने रंगों के फूल उस बगीचे को सजाने में लगाता है। कहीं कुछ फूल खुशबूदार होते हैं तो कुछ फूल दिखने में बेहद मोहक, जो एक ही नजर में मनुष्य का ध्यान अपनी तरफ खींच ले, भले ही उनमें खुशबू ना हो। कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जो सूरज की किरणों के पड़ने पर अलग ही छटा बिखेरते हैं, तो कुछ फूल ऐसे जो निशा की रोशनी में अपनी खुशबू से वातावरण में माधुर्य का एक अलग ही जहान का निर्माण कर देते हैं। बागवान के मन में किंचित भर भी ये भाव उत्पन्न नहीं होता कि कोई फूल बड़ा है तो कोई छोटा, कोई फूल अधिक सुगंधित है तो कोई फूल कम सुगंधित, कोई फूल दिन में खिलता है तो कोई रात में चमकता है, क्योंकि उसे पता है कि हर फूल की अपनी विशेषता है और अपनी महत्ता। उसकी इसी विशेषता और महत्ता से वो उस उपवन की शोभा बढ़ती है और इन्हीं सभी को मिलाकर एक बगीचा बनता है। ये जानते हुए भी कि गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, वो उसे उतनी ही बारीकी से उन फूलों के आसपास लगाता है जिनकी महक ज्यादा नहीं होती पर देखने में उतने ही मनमोहक होते हैं। वो ऐसा इसलिए करता है कि गुलाब की खुशबू उन फूलों को और मोहक बना देती है जिनमें महक नहीं होती। वो अपनी ममता और पितृत्व भाव से सुमन और सुगंध से एक ऐसी दुनिया रचता है जो प्राणियों को इस बात का एहसास कराता है कि प्रकृति हमें अलग अलग जाति रंग वेश धर्म मान्यता प्रवृत्ति होने के बावजूद एक जैसा ही वातावरण देती है। प्रकृति के दिए वरदान में भेदभाव नहीं होता, वो सबको एक जैसी ही मिट्टी देती है और एक ही जैसा पानी, एक ही जैसी हवा और एक ही जैसा सूरज। प्रकृति हमें यही सिखाती है कि जब उसने भेदभाव नहीं किया तो हम मनुष्य क्यों खुद को बांट रहे हैं। मनुष्य भी तो प्रकृति की वही संतान है जो अपनी अलग अलग प्रजाति के होकर भी ईश्वर की इस संसार रूपी वृंदन कानन को सजाते हैं। हर धर्म की अपनी मान्यता और महत्ता और हर धर्म की अपनी एक कद्र है और इन सब के समावेश से पूर्ण है ईश्वर का ये बगीचा जिसे हम संसार कहते हैं। बागवान ठीक उस परम पिता की तरह है जो अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करता, क्योंकि वो जानता है हर फूल से बगीचा है और बगीचे से हर फूल।